तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनोहर सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, वह आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, जैसा हमको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार अपने ठीक 7 वर्ष पूर्ण कर रही है। पहली टर्म 5 साल की 2014 से 2019 तक, और अब 2019 से बाद 2 साल की ये टर्म, ऐसे कुल 7 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने जन सेवा के नाते अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आपको ध्यान में है कि 2014 में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही थी और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के निर्देशन में हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जिस प्रकार से हमने उस समय अपने वायदे किए थे, हमने एक साफ सुथरी सरकार देने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार 2014 की सरकार बनने के बाद हमने उन सब कामों को शुरू किया। मुझे याद है 25 दिसंबर 2014 जब पहला सुशासन दिवस इस रूप में हमने मनाया, हमने बहुत सी बातें उस दिन लागू की थी। हमने सीएम विंडो लागू की, हमने ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए और ये आश्वासन दिया कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे जिसमें करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा और विकास के नाते पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास ही हम करेंगे। पूर्व की सरकारों के भांति किसी ने अपना जिला छांटा, किसी ने अपनी विधानसभा को अपना प्रदेश मान करके वहीं काम कराते रहे, कभी भी संपूर्ण हरियाणा के विकास की बात कभी किसी ने सोची नहीं, और उस अनुसार अपने काम शुरू किए। काम के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे कार्य जो वास्तव में हरियाणा में बहुत आवश्यकता थी, देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लिंग की जो असमानता है उसको कैसे दूर करें। एक बहुत बड़ा कलंक हरियाणा के ऊपर था। हरियाणा को इससे पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश समझा जाता था। 22 जनवरी 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती पर आकर अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा आग्रह किया, एक अपील की, और मुझे संतोष है कि उनकी अपील पर हरियाणा की जनता ने एक उस प्रकार से एक, मैं कहता हूँ कि एक उस काम को करके दिखाया जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा की थी कि इस जेंडर रेशो को, जो उस समय 871 थी, इसको बढ़ा करके आज वो 921 है, अर्थात 2000 की संख्या पर 50 बच्चियों को बचाने वाला ये हरियाणा प्रदेश आज से धुआ है। इन 7 वर्षों में हजारों लड़कियों को, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आह्वान न किया जाता तो जो गर्भ में मार दिया जाता, उनको हमने बचाया है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम भी हमारी सरकार के समय हुए हैं। हमने ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होते थे जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के रूप में बदला, और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लागू कर रहे हैं, सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं। बात आती है
नौकरियों की, सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के बीबीसी उद्योग को चलाती है, बी बदलियां, बी भर्तियां और सी सीएलयू। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया, भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था प्रारंभ में, इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी, पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया। और कुल मिलाकर मित्रों, कुल मिलाकर आज यह संतोष है कि पूरे हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते हैं, बेटा एचसीएस बन गया। हमने पिछले दिनों में जब नौकरियों का जब सिलसिला शुरू किया, ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में दो समय की रोटी नहीं पकती थी, उनके घर में दिए जलने लगे, और एक एक परिवार में ऐसी नौकरी करके और उस परिवार को संभालने वाले लोग ये सब खड़े हो गए। और आज हरियाणा में एक माहौल बना है कि विद्यार्थी जो पहले पढ़ने में यानी जाता नहीं था, पढ़ाई पर विश्वास उठ गया था, कोचिंग सेंटर में आज भीड़ लग गई है, बच्चे पढ़ाई करके और उस शिक्षा का जो उनको एक महत्व पता लगा, उस नाते से इस ओर आगे बढ़ने लगा है। हमने एक एक समस्या पर विचार किया। समस्या जब आती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पावर का बहुत संकट, बिजली का संकट, यानी 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, उसमें भी कभी कट लगते थे, कभी वोल्टेज पूरी नहीं होती थी, संकल्प किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली ये हम देंगे। बहुत कठिन एक काम था, इस कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी आपके पेंडिंग बिल हैं उसमें हम जुर्माने, उसमें जो ब्याज, उसको माफ़ करेंगे, और केवल एक साल का बिल आपका लेंगे, वो भी 12 किस्तों के अंदर लेंगे। लोग इस आह्वान के ऊपर आए, अपने मीटरों में बाहर लगवाए। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के 6,700 में से 5,600 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुंच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, हर चीज़ में हमको बिजली चाहिए, हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए, हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए, खेती के काम में बिजली चाहिए, हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है, ये पहला राज्य है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की ये बात हम करेंगे। महिलाओं के प्रति जो दुर्भाव, चाहे वो जेंडर रेशो की बात है अथवा महिलाओं के प्रति अपराध, ये बहुत होते थे, इन अपराध को रोकने के लिए हमने कई काम किए। महिला थाने, यानी हर जिले के अंदर पहले महिला थाने ये खोले गए, और साथ में महिलाओं की संख्या, हमारी जो पुलिस के अंदर भर्ती है उसमें भी आज 10% के लगभग महिलाएं और ये भर्ती हो गई हैं। हमारा टारगेट है कि अब आगे बहुत जल्दी इस टारगेट को, इसको 15% तक महिलाओं की भर्ती ये हम करके ले जाएं। और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले या जो इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग, खास करके छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई इस प्रकार का अपराध करते हैं, तो हमने कानून बनाया कि उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। और हमारे प्रदेश में ये कानून बनने के बाद मुझे खुशी है कि सारे देश भर में अब इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि 12 वर्ष तक के बच्ची के प्रति अगर कोई इस प्रकार का लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा होगी। और अन्य भी बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं कि ऐसे अपराधी लोगों की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको भी हमने एक प्रकार से बंद कर दिया, ताकि उन लोगों के ऊपर एक सामाजिक दबाव बने, ऐसे अपराधों से वो दूर रहें।
तो मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।